मीटिंग के अंदर तशरीफ फरमा सभी हमारे नौजवान साथी, सभी बुजुर्ग हजरात, और जहां तक आवाज जा रही है ऐसी मेरी मां और बहने, वार्ड नंबर 6 का जमीनी चुनाव 23 जून को होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार फारूक कुरैशी साहब की अहलिया फहमीदा फारूक कुरैशी साहिबा कर रही है उम्मीदवारी। ये जमीनी चुनाव आरिफ शेख की वालदा मोहतरमा का इंतकाल होने के बाद ये जगह खाली हुई और ये जमीनी चुनाव इस वार्ड नंबर 6 का चल रहा है। आप लोग भी बहुत हैरतजदा होंगे, क्या इस मंच के ऊपर आरिफ सेठ, एकता सेठ, डॉक्टर इरशाद साहब, खरसा साहब, ऐसे चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं, क्या आप भी सोच में होंगे कि ये चेहरे यहां पर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत इस वार्ड के अंदर जमीनी चुनाव में क्यों कर रहे हैं? आप भी सोच रहे होंगे, असल में ये जमीनी चुनाव इस वार्ड के अंदर ये इलेक्शन में भी हुआ, इससे पहले भी हुआ, और उस वक्त जमीनी चुनाव जब हुआ था पिछले टर्मों में तो कांग्रेस पार्टी ने खुद जो आज जनता दल के उम्मीदवार है उनकी अहलिया को उम्मीदवारी दी, और उस वक्त तो कोई भी लीडर या कोई भी शख्स कभी अपने वर्कर को, अपने उम्मीदवार को यह नहीं बोलता कि तू तलवार लेकर वार्ड के अंदर घूम और किसी को जाकर मार। खैर हमको भी हमारा वक्त निकालना था क्योंकि सीट छूकर आई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उस इलेक्शन के अंदर जो हुआ था जमीनी चुनाव में क्या हुआ था, ये शहर के लोगों को और इस वार्ड के लोगों को यह सोचना है कि आज जो लोगों ने टिकट दिया वो लोग क्या बोल रहे थे, वो अपनी बात के ऊपर क्यों मजबूती से कायम नहीं है। वो बात तो मैं नहीं बोलूंगा कि किसने किसी औरत के बारे में क्या बोला था, यही शिकारी चौक के ऊपर बहुत कुछ बोला गया था, नंगी तलवार लेकर चरण नंबर 57 के अंदर किसको धमकाया गया था, उसके बाद इस वार्ड के सिटिंग कार्पोरेटरों के साथ उस शख्स का क्या रवैया रहा, ये सब कोई जानता है, इस वार्ड के लोग भी जानते हैं और सियासी हर पार्टी के वर्कर भी जानते हैं कि किसने क्या किया। अगर आज एकता से डॉक्टर अरशद साहब, आरिफ सेठ और माजी सेठ अगर हमारे साथ इस मंच के ऊपर बैठे हैं तो सिर्फ इसके लिए उन्होंने हिमायत दी कि बात के अंदर फर्क हो गया, जो आज जनता दल के लीडर, जो आज गठबंधन के लीडर जिस शख्स को गालियां देते थे, जिस शख्स को बुरा बोलते थे, आज उसी को लेकर टिकट इन्होंने थमा दिया। यही वजह है कि आज उसकी मुखालफत के अंदर ये बैठे, कल भी अपनी बात के ऊपर कायम थे, आज भी अपनी बात के ऊपर कायम है और इंशाल्लाह ये आगे भी रहेंगे, इसके लिए आज इस मंच के ऊपर मुझे अफसोस होता है। आज के जनता दल के लीडरान के ऊपर बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, निहाल अहमद साहब जब हयात थे, निहाल अहमद साहब जब गढ़ नेता थे जनता दल के कॉर्पोरेशन के अंदर 12 सीट चुनकर आई थी,
में स्वस्थ कॉर्पोरेटर था, यहां लगभग सब की 12 सीट, कांग्रेस की 15 सीट और उस वक्त की तीसरे महाज की 27 सीट छूनकर आई और जनता दल भी अपोजिशन में थी और कांग्रेस पार्टी भी अपोजिशन के अंदर थी और एजाज बेग को निहाल साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया मेयर का। उस वक्त यही जनता दल का उम्मीदवार जो आज जनता दल की रिजवान सर जनता दल का कार्पोरेटर, क्या किया उस वक्त उन्होंने निहाल अहमद साहब की डुप्लीकेट साइन की, निहाल अहमद के साथ निहाल अहमद साहब के साथ गद्दारी की, निहाल अहमद साहब के साथ कॉर्पोरेशन के अंदर गालियां दी, शासदा निहाल अहमद को गालियां दी गई, सारे हिंद को गालियां दी गई, निहाल अहमद साहब को गालियां दी गई। उस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूं, कॉर्पोरेशन के अंदर कमिश्नर की ऑफिस के अंदर किया गया। आज निहाल साहब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन उनके जाने के बाद जो निहाल अहमद साहब की कभी इज्जत नहीं की गई, निहाल अहमद साहब को गालियां दी गई, परिवार को गालियां दी गई, निहाल अहमद साहब के साथ धोखा किया गया, डुप्लीकेट सिग्नेचर की गई, आज उनके बच्चे और उनके दामाद उस शख्स को टिकट देते हैं, इनको शर्म आना चाहिए तो उस शख्स को टिकट देने की। आ रहा हूं यह सोचने की बात, आज 2.5 साल सिर पर रहेंगे। मैं सोच रहा था कि इस वार्ड के अंदर जमीनी चुनाव एक नॉर्मल चुनाव हो जाएगा और सच के ऊपर इलेक्शन होगा, झूठ के ऊपर नहीं होगा। मैं सोच रहा था रमजान महीना खत्म हुआ, ईद का त्यौहार हम सब लोगों ने मिलकर मनाया और अल्लाह का करम कि मैं भी उमरा करने के लिए गया और शहर के साबिक एमएलए भी उमरा करके आए। मैं सोच रहा था जब आएंगे तो अल्लाह ताला से वहां पर सब गलतियों की माफी मांगकर आए होंगे, सब गुनाह भुला कर आए होंगे और यह करके आए होंगे कि मैं जाऊंगा शहर में आप सच बोलूंगा और सच का राजकारण करूंगा। यकीन जानो मैं सियासी बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं कल आया और परसों मैं मदीना शरीफ में था तो मेरे एक साथी ने व्हाट्सएप किया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महागठबंधन में और उसमें दो बातों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक ईदगाह के ऊपर हुई और दूसरी पानी के ऊपर। मैं कहा कि चलो पढ़ लो क्या क्या बातें उन्होंने बोली। यकीन जानो एक भी बात सच नहीं बोली गई बल्कि झूठ बोली गई और इसके लिए बोली गई कि इस जमीनी चुनाव के अंदर वो बातों का फायदा उठा सके। मेरे हाथ में एक पेपर है, ये कागज, इसको महासभा का ठहराव बोला जाता है, जनरल वार्ड का ठहराव बोला जाता है। मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि अपोजिशन की बात का जवाब ना दूं, मेरे काम से काम रखूं, आगे बढ़ूं, शहर का विकास शहर की तरक्की के बारे में सोचा जाए। कांग्रेस पार्टी का इकतदार आया, पानी भेज दिया गया, दवाई को पानी भेज दिया गया, बहुत बोला जा रहा था। मैंने चलने दो, लेकिन जब कोई शख्स झूठ के ऊपर इतना मदर हो जाए, इतना झूठ बोलने लगे सिर्फ वो सियासत के लिए, सिर्फ वो एक जमीनी चुनाव को जीतने के लिए, सिर्फ वो इस दुनिया की सियासी कुर्सी हासिल करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि अगर कोई झूठ बोल रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, तो पहले उसको रोकना चाहिए ताकत से। आप ताकत से नहीं रोक सकते हो तो आप कम से कम दिल में बुरा सोचो, लेकिन बोलना तो जरूरी है। और ये शहर के अंदर अगर कोई झूठ बोल रहा है
यहां पर आया हूं, ये जो ठहराव है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इब्राहिम से गुनेगार नेशनल वाला साहब, मैं ये नहीं बोलूंगा। जब इन्होंने किसी बॉडी के अंदर इब्राहिम सैन जब मेल थे तो मैं इब्राहिम सैन को दोष नहीं दूंगा। मैं इस शहर के साबिक एमएलए साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके इशारे के ऊपर आपकी बिजौती थी, आपका शिवसेना के साथ इक्तदार था, तो नया पूरा का एक विषय था, नया पूरा के अंदर पाइपलाइन डालने का विषय था इब्राहिम सेठ, और आपके मूल्य के ऊपर इब्राहिम सेठ साहब ने दाबाड़ी को पानी देने का पहला ठहराव 2017 के अंदर ही कर दिया था। ये उसकी कॉपी लेकर आए हो और ये तुम्हारी देन है जो दाबाड़ी को पानी दिया जा रहा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुसलमानों के हिस्से का पानी दे दिया गया, ना उन्होंने दिया और ना हमने दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर हमने भी ठहराव किया और उन्होंने भी ठहराव किया तो इसके लिए किया गया, यह किया गया ठहराव कि चंकापुर डैम का पानी, मालेगांव शहर का एक बूंद भी पानी नहीं काटते हुए अजाफी पानी को चंकापुर से छोड़ा जाएगा, ज्यादा पानी हमारे कोटे को कोई हाथ नहीं लगाते हुए वो पानी दावाली को देना, ऐसा ठहराव हमने भी किया और उन्होंने भी किया। लेकिन शहर को कितना गुमराह, सच बोलना चाहिए और अलग अलग कर्म है। यह मस्जिद और मीनारों का शहर, ईमान वालों का शहर है और हमारा पूरा अल्लाह के ऊपर पूरा ईमान है मजबूती के साथ कि हमारा पानी अगर हमारी तकदीर में होगा तो हमें मिलता रहेगा और अल्लाह का करम है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर दुष्काल आया लेकिन मालेगांव शहर के अंदर दुष्काल नहीं आया। मालेगांव शहर को पानी एक दिन गैप करके भी रमजान में दिया गया और दो दिन गैप करके भी दिया गया। अल्लाह का बहुत एहसान है। आप मनमान का हाल देख लो, ये झूठ बोला जा रहा है शहर दोस्तों। अशरफी ईदगाह की बात आई कि वहां पर इमाम साहब ने बोले, मुझे ताज्जुब होता है कि इक्तदार के लोग का काम कितना होता है। कोई भी इक्तदार के लोग हो, उनका काम होता है बजट को मंजूर करना और उसके बाद डिपार्टमेंट का काम होता कि टेंडर निकालना, ठेकेदार काम लेगा, ठेकेदार काम करेगा, वो अधिकारी जाने ठेकेदार जाने, ये उसूली बात। लेकिन बोले इमाम साहब ने वहां ऐसा कहा कि कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। महमूद शाह साहब को मैंने भेजा और ये मस्जिद साहब के इमाम साहब जो अशरफी ईदगाह के ऊपर उन्होंने नमाज पढ़ाई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था। मैं सियासत के अंदर मजहबी लोगों को नहीं खींचता हूं, मजहबी बातों का सहारा नहीं लेता हूं। लेकिन आज बहालत मजबूरी मुझे बोलना इस इलाके के अंदर कि आप लोग भी नमाज पढ़ने के लिए जाते होंगे, इमाम साहब से मस्जिद में जाकर पूछना कि आपको चिट्ठी दी गई उसमें शेख आसिफ का नाम था क्या, शेख रशीद साहब का नाम था क्या, कांग्रेस पार्टी का नाम था क्या? उन्होंने ठेकेदार का बोला, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ बोला कि कांग्रेस के लोगों ने इमाम साहब ने ऐसा कहा। यानी वो बेचारा सीधा साधा इमाम साहब पर भी तोहमत इन्होंने लगा दी, उनका भी नाम किस लिए, जल्दी चुनाव जीत जाए। ये बातों का खुलासा तो मैं करूंगा और मैं तुम्हारे उस वार्ड के अलिया मस्जिद के इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई याद जाके पूछिए और मैं उनसे अपील करता हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनसे अपील करता हूं कि तुम्हारा नाम सियासत में खींचा जा रहा, तुमको बदनाम किया जा रहा, जो सच है आप ये वजाहत अखबारात के जरिए या आवाम को बीच में आप आके कर दो, ये झूठ बोला गया। रही बात इस वार के अंदर, आज मैं ये बोलना चाहूंगा एकता सेठ यहां बैठे, आरिफ सेठ की वालदा भी कार्पोरेटर थी, एकता सेठ के भतीजे भी कार्पोरेटर, तभी है मैं जनता दल के कार्पोरेटर। असल में इस वार के अंदर सिर्फ ये चाह गया इन लोगों को काट कर, इन लोगों को इत्मीनान में नहीं रहते हुए इनको काम नहीं करने दिया गया और खुद काम करना शुरू कर दिए
और इनको कोई इत्मीनान भी नहीं लिया गया। मैं उनके वार्डों में काम करने गया, इनको जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश उन लोगों ने की। और यही वजह है कि ये लोग आज हमको सपोर्ट दिए, हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट दिए, लेकिन जिस उम्मीदवार की वालदा को टिकट दिया गया वो वालदा वो मोहतरमा है, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो घर के अंदर आज है, लेकिन जो शख्स उनका लड़का जो इलेक्शन यहां पर लड़ रहा है, मुझे बताओ, यकीन के साथ मैं बोलता हूं कि अगर बिगर पैसे का टिकट नहीं मिला हो, जब तक चिरागी नहीं दी जाती वह टिकट मिलता ही, और जो मुखलिस लोग थे जनता दल के जो टिकट मांग रहे थे, असल में चिरागी नहीं देने वाले, वो ईमानदार ना पार्टी के थे, वो टिकट मांग रहे थे, और जो शख्स ने चिरागी दिया उसको टिकट दिया गया, और इसके लिए वो शख्स ने दिया, और इसके लिए वो रुपया लगा रहा है, इसलिए दादागिरी कर रहा है, इसलिए छूट का सहारा ले रहा है कि कारपोरेशन के अंदर वही ठेकेदारी कैसे की जाए और वहां पर लूट घसूट कैसे की जाए, इसके लिए आए, असल में उम्मीदवारी करने के लिए आए, तुम्हारी भले के लिए नहीं आए। मैं आज नंदन नगर के लोगों से भी बोलना चाहूंगा, आज यहां पर गणेश नगर के लोग भी है, आज यहां पर 57-56 के लोग भी है, आज वार्ड नंबर 6 के लोग भी यहां पर मौजूद है, कि आप लोगों को 23 तारीख को फैसला लेना है। जो गलतियां आपसे हुई, दर दुदर करना पड़ता है सियासत के अंदर, आपको भी एहसास होगा कि कहीं ना कहीं गलती हम लोगों से हुई, लेकिन एक मरतबा दूसरी मरतबा फिर धोखा था। मैं आज ये बात बड़े इत्मीनान के साथ ये बात मैं बोलना चाहता हूं, कोई मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, कोई मैं छोटी बात नहीं बोल रहा हूं, चाहे वो नंदन नगर के लोग रहने वाले हो, चाहे वो गणेश नगर के लोग रहने वाले हो, चाहे वो नंदन नगर के लोग हो, चाहे वो गोंडवाड़े के लोग रहने वाले, ये मीटिंग इसलिए मैं यहां की बातें कर रहा हूं, जब दूसरे इलाके में मीटिंग रहेगी वहां की बात करूंगा, ये प्राइवेट जमीन के ऊपर बसे नहीं होगा। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं, या आपको मैं ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग हमेशा पार्टी के साथ शेख रशीद साहब के साथ हमेशा खड़े रहे, लेकिन मैं आज इत्मीनान के साथ पूरी जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं कि शेख रशीद साहब की सरपरस्ती आप लोगों को हासिल है, इसके लिए कोई जमीन मालक की हिम्मत नहीं होती कि नंदन नगर के तरफ हाथ उठाकर देखे, कोई जमीन मालक की हिम्मत नहीं होती कि गणेश नगर के तरफ हाथ उठाकर देखे, ये मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। तो आज हमारी सरपरस्ती हासिल किया है, किसके किसकी हासिल है, शेख रशीद साहब की सरपरस्ती हासिल है। आपके लिए लड़ने के लिए कौन आता है, आपके मसाइल हल करने के लिए कौन आता है, आपके सुख दुख के अंदर कौन आता है, आपके लिए जब जरूरत पड़ती है तो कौन खड़े होता है, ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए। एक दिन का इलेक्शन वोट देता है अभी चला जाता है, लेकिन 5 साल भुगतना पड़ता है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग 23 तारीख को किसी के भी बहकावे में नहीं आते हुए, कोई भी आएगा कि यार इसको वोट दे देना है, कोई भी आएगा इसको वोट दे देना, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि फहमीदा फारूक कुरैशी जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है, उनको ही आपको देकर कामयाब करना है। इंशाअल्लाह हमारा उम्मीदवार कामयाब होगा तो हम यकीन दिलाते हैं कि विकास और दौलत के नाम पर हमने हमेशा वोट मांगा, और विकास और दौलत हमारे कार्पोरेटर से इंशाल्लाह चुन के आने के बाद हम आपके इलाके का डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, ज्यादा फंड देंगे, जैसा कि पीछे की रोड बनी। पता है आपको फारूक कुरैशी एकता से राजीव शेख की डिमांड की शेख रशीद साहब को, शेख रशीद साहब ने यह नहीं देखा कि कौन से पार्टी के नाम इन्होंने बोला है काम करना, सलाम चाचा रोड बनी, इन लोगों की डिमांड में बनाई गई, फंड ज्यादा आएगा आप लोगों के पास, काम ज्यादा इलाके के अंदर होंगे। आप लोगों ने देखा कि हिल स्टेशन, मैं तो गया नहीं ईद की छुट्टियों के अंदर, इसको काम बोलते
शहर गया है। मैं समझता हूँ यहाँ पर 90% लोग जाकर आए हो, इसको काम बोलते, इसको विकास बोलते दोस्तों। जरूर हम लोग आपका विकास करेंगे, काम करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग गलती ना करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।